आज हमारे निलंगा शहर के इतिहास में सबसे दुखदायक दुखभरी घटना, मन सुन्न करने वाली घटना हो गई है। निलंगा शहर की पिछले 32 साल से सफाई कामगार की हैसियत से सेवा करने वाले एक प्रामाणिक कर्मयोगी बाबूराव गायकवाड़, इन्होंने केवल ये नगर पालिका ने पेमेंट नहीं दिया, उनकी पगार नहीं दी, इसलिए खाने को पैसा नहीं, उपासमारी हो रही है, पूरी फैमिली परेशान है उपासमारी से। इससे वैताग कर, इससे कंटाल कर इन्होंने नगर पालिका के कार्यालय के अंदर, कंपाउंड के अंदर ये बादाम के झाड़ को खुद फांसी लेकर के खुद की जीवन यात्रा खत्म करी। इससे दर्दनाक, इससे बुरी घटना निलंगा के इतिहास में आज तक के नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए निलंगा में सत्ता करने वाले आमदार को, उसके नगर पालिका को लूट के चूस के खाने वालों को। पिछले साल भर में इन्होंने ये नवे नल कनेक्शन देने के कारण से 4,500 और पुरानी थकबाकी ये वो बोल के एक एक परिवार से 10-10, 20-20 हज़ार वसूले, 4 करोड़ से ज़्यादा पैसा पिछले साल भर में ये 7-8 महीने में जमा किया। फिर भी 7 महीने से ये नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के, गरीबों की, ये मेहनत करने वालों की पगार तक की इन्होंने नहीं दी। इसके निषेध में खाने को घर में कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, दाना पानी नहीं है बोल के 32 साल तक सेवा करने वाला एक इंसान यहाँ नगर पालिका कार्यालय में इन्होंने खुद को खुदकुशी कर दी, फांसी लगा करके ये बादाम के झाड़ को आत्महत्या कर दी। ये मन दहला देने वाली घटना है। और इनका क्या, इनकी बहुत ही अफसोसजनक घटना, इनके आत्मा की हाय ये सत्ताधारियों को लग के रहेगी। ये निलंगे की जनता ये सत्ताधारियों को माफ नहीं करेगी। तीन बेटे उनको, उनकी शादी हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं है। कितने में छोटी थी जब से वो ड्यूटी करते हैं, अभी पगार नहीं देते, 3-3 महीने 6-6 महीने पगार नहीं देते हैं। और परमिट का तो कभी नाम नहीं लिया। मैं छोटी थी जब से है वो ड्यूटी पे, मैं छोटी थी ना जब से है वो ड्यूटी पे। तीन बेटे हैं, तीन बेटे की शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है उनका भी। अभी तो यही आत्महत्या कर लिए, अभी एक ऐसा करने का उसका निकल करो, उसको परमानेंट, हमारे भाई को दोनों जनों को ले और कायम स्वरूप ड्यूटी दो, ऐसा परमानेंट बोल के। मेरा बाप मर गया, मेरा बाप कभी बेटी बोल के बेटी के घर में नहीं आया, ये ड्यूटी बोल के। और ये नगर परिषद में ही फंस लिए वो, उनका बहुत याद ये था ड्यूटी पे। काम करता हूँ, मेरे भाइयों को दो भाइयों को मेरे कायम स्वरूप ड्यूटी दे दो। तीनों की शादी नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ है उनका, और उम्र गई उनकी ये करने में, ड्यूटी करने में। शिव साहेबाला भेटलो, हा शिव साहेब का म्हणले पगारी करा, करतावत 5 महिने गेले। 5 महिन्याच्या नंतर अध्यक्ष साहेबांना आम्हाला होका का दिले, 3 महिन्याची तुमची पगार कर। मग आमची जयंती आली, पाडवा आला, काय का असणार, एकदाच गेल तर आमचं गरिबाचं देणं जाईल म्हणून आम्ही केलं, अध्यक्ष साहेबाकडे बघून केलं। मग पुन्हा आम्ही नगर म्हणून एक दिवस बसलो, मग अध्यक्ष साहेबांना बी येऊन आम्हाला की का कामावर चाला, मी हा देणार म्हणून आम्हाला बोलले नाही, तुमचं काहीच नाही इथं म्हणते आता साहेब। किती लोक